मौसम बदल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा एक इशारा है कि हम तैयार खड़े हैं, आओ और हम आपको ठोकने के लिए तैयार खड़े। पर कश्मीर के लोगों को जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपकी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से कोई दुश्मनी नहीं। कश्मीर तो आपका है, कश्मीर तो हमारा है, आपका हिंदुस्तान है। आप एक दूसरे का पंजाब की तरह, जैसे हमने साथ दिया लिया, आप साथ दें, आप कश्मीर को एक ऐसा सुंदर और पहले की तरह बनाएं कि दुनिया वहां पे जाए। नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। वो पाकिस्तान जो हर बात पर परमाणु धमकी देता था, वो अब डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा। वो आतंकी जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाते थे, आज खुद आतंकित है। ये खौफ है जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, और ये यूं नहीं हुआ है। हंदवाड़ा में हिंदुस्तान के कर्नल और मेजर समेत 5 जवानों ने देश के लिए अपनी सर्वोच्च शहादत दी। पूरा देश जब शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, पाकिस्तान भारत के गुस्से को महसूस कर रहा था। पुलवामा और पठानकोट के बदले की याद पाकिस्तान को इस कदर सता रही थी कि उसने विमानों से सीमा पर निगरानी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने 4 दिन बाद ही हमला करने वाले आतंकी संगठन से शहादत का बड़ा बदला लिया, हिजबुल कमांडर को मार गिराया, और अब सबक सिखाने की बारी है आतंकियों के मददगार को। तो ताल ठोक के बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द कि पाकिस्तान में अब आतंक का आखिरी चरण। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, MS बिट्टा हैं, चेयरमैन AIATF, कर्नल रिटायर तेज टिक्कू हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, याना मीरचंदानी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट इफ्रा जान हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। MS बिट्टा, क्या लगता है कि बड़े बड़े कमांडर जो है यहां पर सरेंडर करने लगे, नए आतंकी रिक्रूट नहीं हो रहे हैं, सलाउद्दीन जो है वो इस तरीके से डरा हुआ है, यानी कि जो आतंक फैलाते थे अब वही आतंकित घूम रहे हैं, क्या लगता है यही राइट टाइम है, लोहा गर्म है, मार दें हथौड़ा? आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसी रैली में जब 40 हमारे जवानों को शहीद किया था, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूल की, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत चुकानी पड़ी, हमारे 40 जवानों की शहादत हमें कितना कुछ देगी, हमारे हजारों जवानों की शहादत का बदला क्या दे गई। हमने पिछले 6 महीने के 7 महीने के अंदर अंदर 80 आतंकवादी जो पढ़े लिखे थे, जो सलाउद्दीन कह रहा है, उनको मार गिराया और 370 धारा हटाई। अभी शर्मा जी उनकी टीम पे हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, हमने उनके लोगों को बचाया, 2 आतंकवादियों को मारा, उसके जवाब में कितना बड़ा आतंकवादी मारा। तो एक ये मूवमेंट है, ये क्रांति है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद से मुक्त भारत। आप कश्मीर में देखो, पहले से बहुत ज्यादा अंतर है, पर पूरे देश के अंदर देखिए जो आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिसी है, मत कहिए बीजेपी, मत कहिए, और मैं एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, जो उसकी पॉलिसी है, जो होम मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, आज हमारे जवानों को दिल्ली से तो नहीं पूछना पड़ता। 5 साल पहले क्या था, जवान शहीद होते थे, बदला लेना होता था, जवानों के सिर कट देते थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते थे, और दिल्ली वाले कहते ना कोई एक्शन नहीं। आज वो मामला खत्म हो चुका है, 5 साल में एक भी हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी की कोई घटना हुई हो, एक भी, कश्मीर छोड़ दो, मुझे बताइए, बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जेन्युइन बात है ना, ये पार्टी है ना पॉलिटिक्स है, और जो लोग राजनीति करते हैं वो सबसे बड़े मुल्क के दुश्मन है। सवाल तुम प्रथम राष्ट्र है, और मैं एक बिल्कुल जैसे पात्रा जी ने बोला, बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने बात की, उन्होंने बोला मौसम बदल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा एक इशारा है कि हम तैयार खड़े, आओ और हम आपको ठोकने के लिए तैयार खड़े। पर कश्मीर के लोगों को जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपकी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से कोई दुश्मनी नहीं। कश्मीर तो आपका है, कश्मीर तो हमारा है, आपका हिंदुस्तान है। आप एक दूसरे का पंजाब की तरह, जैसे हमने साथ दिया लिया, आप साथ दें, आप कश्मीर को एक ऐसा सुंदर और पहले की तरह बनाएं कि दुनिया वहां पे जाए, वहां पे रोजगार हो। और मैं एक और बात करूं, जो तो कोरोना का कहर आ गया, कश्मीर में तो कारोबार बहुत चल पड़े थे, मेरे कई दोस्त हैं बड़े अच्छे व्यापार करते, वो वहां के लोग कहते हैं कि जब से 370 धारा हटी है यहाँ के कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं इनको भी कहना चाहूंगा, क्यों रोज टेलीविजन पे हम बात करते हैं, हिंदुस्तान कश्मीर का हिस्सा है,
आप भी हिंदुस्तान में वो रहेगा, हम क्यों रोज बहस करते हैं? बिल्कुल, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से उतनी देर है जितनी देर वो कश्मीर में दखल देता है। अब मतलब इन द सेंस कि सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी इसमें है माजिद हैदरी इफराजान तो वो कश्मीरी है ना, ये सत्यवादी कह रहे हैं सलाउद्दीन को। चाइना को कहां बैठे आप? प्रॉब्लम तब तक रहेगी सचिन, आप कश्मीर की बात करें ना, तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी और संबित पात्रा जैसे लोगों को थर्ड माजिद हैदरी, एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं दोबारा फ्रेज करता हूं, मुझे मालूम है कि आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आम बेनिफिशियरी है कश्मीरी उस तक ये आवाज नहीं पहुंचे। क्या कहा, क्या क्या होगा, चलो जो भी इन्होंने कहा इनको एक बिल्कुल देखो, हमने बड़े प्यार से शांति से बात की, तो रोज हम बहस करते हैं, रोज बहस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा, बिट्टा साहब आप सुन लो, आप सुन नहीं पाए होंगे, मैं आपको बताता हूँ इस व्यक्ति ने क्या कहा। इस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, आप इंतजार करो, थोड़े दिन बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, संबित पात्रा का उठा के लेके जाके थर्ड डिग्री की टॉर्चर करेंगे, तब जाके ये सब कुछ सॉल्यूशन होगा। फिर मैंने कहा कि हमारे साथ भगवान महादेव त्रिशूल लेके खड़े हैं, संभव नहीं है, तो इसने कहा कि फिर भी करेंगे। संबित मैं कह रहा हूँ इसी को तो डिफरेंशिएट करना है ना, तभी ले माजिद हैदरी भी मेरी स्क्रीन पर आते हैं, कश्मीर के और पत्रकार भी आते हैं, जो पत्रकारों की आड़ में अगर मैं सवाल सलाउद्दीन के ऊपर पूछता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान पर सवाल पूछता हूँ बिट्टा साहब, वो पाकिस्तान की तरफ कभी सुई नहीं करते, वो आतंकियों की तरफ कभी सुई नहीं करते, क्योंकि आतंकी दुकान जब सलाउद्दीन मान रहा है कि बंद हो रही है, तब ना जाने कुछ ऐसे लोग हैं उनको अपनी दुकान बंद होते हुए क्यों नजर आता है। एमएस बिटा आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद इफ्राजान, एक सेकंड माजिद दैदीर, बहुत हो गया, मैंने आपको चार बार मौका दिया, आप हर एक की बात करेंगे, आप हर चीज की बात करेंगे, हम कश्मीरी की बात नहीं करेंगे। आवाज बंद कराओ, बोलिए बेटा साहब, इनकी आवाज बंद कराओ। देखो इन्होंने कांग्रेस की बात की, मैं पहले बार बार हर चैनल पे जहां प्रथम राष्ट्र आता है, प्रथम राष्ट्र ना कांग्रेस ना बीजेपी ना सीपीएम ना सीपीआई, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं और राष्ट्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और भी बड़े हैं। और हर हर महादेव की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक पे देखना, जब कुंभ का मेला था, एक आती थी पिक्चर अजय देवगन की, सिंगम या कौन सी पिक्चर थी वो, तो नकली ऐसे करके निकलता है, जब गंगा मैया से निकल करके नरेंद्र मोदी निकले थे, तो मैंने रात को कह दिया था कल कुछ होगा, और अगले दिन पाकिस्तान में घुस करके हमारे जवानों ने हर हर महादेव बोलते हुए 10 मिनट में आके बालाकोट में तबाही मचा दी थी। उनकी दूसरी बात इनको बता दूं, हम प्यार से बात कर रहे हैं, मैं भी तो एक सरदार हूँ, सरदार हूँ ना मैं, फकर से बार बार कहता हूँ मेरा धर्म भारत, मेरी जात बंदे मातरम, मैं पहले भारतीय हूँ, मैं पहले पंजाबी नहीं हूँ, आप कहिए मैं पहले कश्मीरी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मत जिद कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है भैया, ना आगे ना पीछे, उसके लिए प्रथम राष्ट्र है ना कांग्रेस है ना बीजेपी है ना सीपीएम है ना सीपीआई है, और प्रथम राष्ट्र के साथ 130 करोड़ जनता, जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी शोर मचा दो, याद रखना 370 धारा हटाई, आपके लिए हटाई, आपके बच्चों के लिए हटाई, आपको भोपाल बढ़ाने के लिए बधाई, आपको कश्मीर को एक तरक्की देने के लिए बढ़ाई, अगला मिशन पीओके होगा, वो भी आपके साथ जोड़ा जाएगा, आपको खुशहाली मिलेगी, क्योंकि आपने इस कारण से आवाज करती है, करना है कर लीजिए, 370 हटाई, पीओके लेके रहेंगे। पहली बात, बिट्टा जी ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा मेरे कश्मीर में बहुत सारे दोस्त है, 370 हटने के बाद वहां बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, मैं अभी कश्मीर में बैठ जी आपके भी होंगे, मैं अभी कश्मीर में बैठी हूँ, अगर इतना ही कश्मीर में बिजनेस कश्मीरियों को छोड़िए, तो लद्दाख वाले जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी हेड ने 2 दिन पहले रिजाइन ना कर लिया होता। बीजेपी की पॉलिसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतनी खराब है, आज जम्मू वालों में जो विरोध छाया हुआ है, लोग गुस्सा है, क्योंकि एक भी नौकरी नहीं मिली है, किसी ने डेवलपमेंट नहीं देखी है जिस डेवलपमेंट का वादा किया गया था, स्टोन पेल्टिंग कंटिन्यू हो रही है और टेररिज्म कंटिन्यू हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी हमारी स्टेट की बर्बाद हो रही है। एमएस बिट्टा, फिर उसके बाद याना, एक सेकंड इफ्रा, एमएस बिट्टा, फिर उसके बाद याना मीरचंदानी, बस दो लोग, एक मिनट, इनके देखो, मेरी बहन, कई बातें देखो इनकी बीच में मुझे अच्छी भी लगी, बराक बानी को कहा मारा गया, शहीद नहीं कहा, कई बातें इन्होंने अच्छी भी दिल से कही, कई बातें उन्होंने जज्बात से कही, मैं इनको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं,
मैं गारंटी लेता हूँ। देखो मैं टकसाली कांग्रेसी हूँ, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ 92-93 से लेके आज तक मैं जंग लड़ रहा हूँ। मेरे शरीर का आधा हिस्सा तो देखो, 40 किलो आरडीएक्स, 70 किलो आरडीएक्स, ट्रकों के ट्रक मुझे मारने की कोशिश की। को मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते थे ना, पंजाब को इस देश से तोड़ना चाहते थे ना, हिंदू मुसलमान सिखों का कत्लेआम करते थे ना। आज क्या है, हमने मौत का कफन बांधा। हमें भी कहते थे ये कौम के गद्दार हैं, ये गलत है, ये कौम के खिलाफ में क्या कहो, हम अपने गुरुओं की अपने राष्ट्र की सोच पर चले हैं। हमने सबने बम भी खाए, गोलियां भी खाई, पर किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई, किसी को पंजाब से निकल नहीं दिया। आज आपके सामने पंजाब है, हरा भरा पंजाब है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पंजाब से बड़ा, दिल्ली से बड़ा, बॉम्बे से बड़ा, जिस दिन कश्मीरी सब एक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं कोई सरकार में नहीं हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, नंबर एक पे कश्मीर होगा। और कश्मीर का युवा, कश्मीर की बहनें दुनिया के अंदर अपना नाम ऊंचा करेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, भगवान की कसम खा के, कोई राजनीति नहीं, कोई मेरी मोदी से, कोई बीजेपी से मेरा तलक नहीं, मेरा तलक है मानवता से, मेरा तलक है। ये जो लोग बीच में आकर के, ये जो बीच में आके पात्रा जी को धमकी देते हैं, उस लेडीज को धमकी देते हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। एमएस बिट्टा साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि याना, एक सेकंड समित मैं आता हूँ, एक सेकंड आपके पास याना, यही चीज तो चुभती है ना कुछ लोगों को कि कश्मीर कैसे नॉर्मल सी हो सकती है, दशकों से चली आ रही आतंकवाद कैसे खत्म हो सकता है, सलाहुद्दीन कैसे डर सकता है और पाकिस्तान में कैसे खौफ चल सकता है, यही हजम नहीं होता ना कुछ लोगों को। तो कहीं ना कहीं डरने वाली बात तो उन लोगों की है या उस सोच की भी है जो कि आतंक का समर्थन करते हैं।